नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के कंजावला जैसा हादसा मथुरा में हुआ है। यहां यमुना एक्सप्रेस वे पर कार ने युवक के शव को करीब 11 किलोमीटर तक घसीटा। जब कार टोल प्लाजा पर रुकी तब सिक्योरिटी गार्ड की नजर कार के नीचे फंसे शव पर पड़ी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कार के नीचे से निकाला। शव को हिस्सों में बांटा गया था। गाड़ी में जगह जगह टुकड़े चिपके थे। SP देहात त्रिगुण बिशेन ने बताया कि जिस कार में शव फंसा था वो आगरा से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली निवासी वीरेंद्र सिंह स्विफ्ट कार चला रहे थे। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि रात को एक्सप्रेस वे पर कोहरा था। किसी वाहन से ये हादसा हुआ होगा जिसका शव एक्सप्रेस वे पर पड़ा रहा होगा। कोहरे में शव दिखाई नहीं दिया। ऐसे में शव कार में फंस कर घिसटता चला आया होगा। मृतक की जेब से टूटा कीपैड मोबाइल और करीब 500 रुपये मिले हैं। शव इस कदर बिगड़ गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस एक्सप्रेस वे पर लगे CCTV को खंगाल रही है। मृतक की शनाख्त इटावा निवासी रजपाल सिंह के रूप में हुई है। इसकी उम्र 25 साल है, जो दिल्ली में कुरियर कंपनी में गाड़ी चलाता था। SP ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर मांट क्षेत्र में माइलस्टोन 106 पर खून के निशान मिले हैं। आशंका है कि वहां हादसा हुआ था। शव टोल प्लाजा तक घसीटता आया। माइल स्टोन 106 से टोल प्लाजा की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। टक्कर कार से हुई है या किसी और वाहन से, इसकी जांच की जा रही है। कार स्विफ्ट डिजायर है। मंगलवार तड़के 4 बजे मांट टोल प्लाजा पर पहुंची। कार में 2 महिला और 2 पुरुष सवार थे। वे लोग दिल्ली के तिकड़ी थाना क्षेत्र के संगम विहार के रहने वाले हैं। वो परिवार के साथ आगरा में शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। टोल काटने के लिए जब गाड़ी रुकी तो वहां मौजूद गार्ड ने गाड़ी के पीछे से सड़क पर बहते खून के निशान दिखे। फिर गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो एक युवक का शव फंसा था। कार ड्राइवर वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी कार से कोई हादसा भी नहीं हुआ। उसे टोल प्लाजा पर लोगों ने बताया कि गाड़ी में शव फंसा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरा था, दूसरे वाहन से हादसा हुआ होगा। मथुरा से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। पूरा मामला और क्या जानकारी तक निकल कर आई है? देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे पर प्रातः लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति जो उसके पीछे लोहे का गार्ड लगा था उसमें फंसा हुआ और घसीटता हुआ वहां मार्ट टोल तक आया, जिसको कि जब टोल के कर्मचारियों ने देखा तो उसको उस गाड़ी से निकाला गया। उस गाड़ी को वीरेंद्र सिंह, जो कि संगम विहार दिल्ली के रहने वाले थे, वो चला रहे थे। गाड़ी में उनका परिवार बैठा था। उनका कहना यह है कि कल एक्सप्रेसवे पे फॉग बहुत ज्यादा था तथा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी के बीच में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ जो कि उनकी गाड़ी से फंस गया। इसमें अग्रिम पूछताछ की जा रही है और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। जैसे भी जानकारी होगी आपको अवगत कराएंगे। सर, हादसा कितने माइलस्टोन पर था? देखिए, अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पा रहा है कि हादसा कितने माइलस्टोन पे था, पर लगभग 106 किलोमीटर पर जो है ब्लड मिला है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि वहीं पे हादसा हुआ होगा। क्या मृतक की कोई शिनाख्त हो पाई? अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के गांव इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। जैसी शिनाख्त होगी तो आपको सूचना। कितनी एज और कुछ प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि कितनी एज है, मेल है फीमेल है जो बॉडी? देखिए, ये मेल है और लगभग 35-40 साल का है। और इसके अगल बगल के गांव और इन लोगों से भी जानकारी कर रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, और जैसे भी जानकारी होगी तो आप लोग बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।